कर्फ्यू में अनावश्यक घूमने वालों के खिलाफ अब नैनीताल पुलिस सख्त हो गई है, जिसे देखते हुए कर्फ्यू एक्सप्रेस मोबाइल क्वारंटीन वैन की शुरुआत की गई है। दरअसल कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वाले लोगों को पकड़कर इस वैन में बिठाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें थाने लाकर उनकी काउंसलिंग भी की जाएगी। एसपी सिटी और उनकी टीम के साथ आज हल्द्वानी के पूरे शहर में मोबाइल क्वारंटीन वैन घूमी। मोबाइल क्वारंटीन वैन को शुरू करने के पीछे एक मकसद यही है कि कोतवाली की अन्य गाड़ियों के साथ सड़क पर निकलकर आम जनता को कर्फ्यू के प्रति जागरूक करने का काम किया जाए। मोबाइल क्वारंटीन वैन शुरुआत के पहले दिन ही आज हल्द्वानी में 11 लोगों को पकड़कर थाने लाया गया, जिनकी काउंसलिंग की जा रही है। इसके बाद कर्फ्यू के उल्लंघन सहित संबंधित धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई कर परिजनों को बुलाया जाएगा और उनके सुपुर्द किया जाएगा। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। एक मोबाइल क्वारंटाइन वैन को आज से शुरू किया जा रहा है, जहां पर भी कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोग आवारा और बिना किसी कारणवश घूम रहे होंगे, ये वैन उनको अपने अंदर बिठाएगी और उसके बाद इनको थाने पर लाया जाएगा, इन लोगों की काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद विधिक कार्रवाई करके इनको छोड़ा जाएगा। इस वैन को शुरू करने का दूसरा कारण लोगों में जन जागरूकता भी फैलाने का है। इस वैन के माध्यम से और जो हमारे थाने की अन्य गाड़ियां हैं, वो साथ में लोगों को जागरूक भी करेंगी कि वो अनावश्यक रूप से ना घूमें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क को पहनें और इस संक्रमण से बचने और बचाने में मदद करें। आज भी कितने लोगों को लेके आए? आज जो पहला ये राउंड था जिस शुरुआत की गई है, इसमें 11 लोगों को इस वैन में लेके आया गया है। इन सभी लोगों को अभी कोतवाली हल्द्वानी में लाने के बाद इनसे पूछताछ की जा रही है, किस कारण से घूम रहे थे। उसके बाद इनकी काउंसलिंग करने के बाद इनसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी, बॉन्ड भराया जाएगा और ऐसा आगे ना करने की इनको हिदायत दी जाएगी।